गुड मॉर्निंग दोस्तों, होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसके पहले फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट पार्ट में 156 तक का क्वेश्चन करा दिया गया है और 157 से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है सेकंड वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। पर्दों का रंग होना चाहिए, पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? तो मौसम के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न ऋतुओं में प्रकाश कहीं मात्रा और तेजी क्या होता है, घटती है, बढ़ती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयन कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? एक दीवार में निचली तरफ रात्रि बल्ब होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की जाती है, तो मोमबत्ती की भी, बल्ब की, तेल लैंप की, उपयुक्त सभी, तो कृत्रिम व्यवस्था की अनुसार ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग से संबंधित सिद्धांत नहीं है, तो समाजशास्त्री सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग नहीं है, तो हरा प्राथमिक रंग नहीं है। रंगों का गुण नहीं है, तो क्या है रंगों का गुण? लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांग के अनुसार सबसे अधिक गर्म रंग है लाल और नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक रंग नहीं है, तो क्या? नीला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा रंग है, तो द्वितीयक हरा रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत रंग योजना नहीं है, तो एक रंगी योजना, पूरक रंग योजना, दोहरी रंग योजना एवं खंडित पूरक रंग योजना, तो इसका आंसर क्या होगा? विपरीत रंग योजना है तो होगा इसका खंडित पूरक रंग योजना, खंडित पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा रंग एकता एवं शांति का प्रतीक है? तो नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अभाव में गृह विज्ञान को पूर्ण नहीं माना जाता है, तो प्रकाश को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हरा, भूरा और लाल रंग कम भार वाला का आभास देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांग के अनुसार रंग की तीव्रता, उसकी चमक और धुंधलापन क्या कहलाता है? व्यू मूल्य है, यू है, क्रोमा, उपयुक्त सभी, तो क्रोमा कहलाता है। यू क्रोमा मूल्य नामक रंगों के तीन गुण कौन स्वीकार करता है? तो प्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की समस्त किरणों को सोख लिया जाता है तो कौन सा रंग दिखता है? तो काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग के मूल्य का क्या तात्पर्य है? तो रंगों का हल्कापन या गहरापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक रंगों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो छह स्तरीय रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक प्राथमिक और उसके पास वाले द्वितीयक रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो माध्यमिक रंग बनता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा माध्यमिक रंग है? तो पीला, नीला, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा माध्यमिक रंग नहीं है? तो लाल, हरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से कौन से रंग बनते हैं? तो तृतीयक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक रंगों का लाल रंग किसके जैसा होता है? ईंट जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांग ने किन रंगों को सबसे ठंडा रंग माना है? तो नीला और बैंगनी। प्रांग के अनुसार रंग चक्र में ठंडे रंग किस तरफ होते हैं? दाहिनी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग मिलाने से जो रंग अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है क्या कहलाता है? टिंट। काला रंग मिलाने से जो रंग अपने वास्तविक रंग में गाढ़ा हो जाता तो क्या कहलाता है? ये वाले क्वेश्चन में शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग का वह गुण जो
रंग का वह गुण जो रंग की चमक और धुंधलापन के स्तर को दिखाता है क्या कहलाता है? तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ह्यू के विभिन्न टिंट और शेड और उनकी तीव्रता के अंतर द्वारा कौन सी रंग योजना बनाई जाती? तो एक रंगी रंग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिक रंगों का चयन नहीं, और उसके आगे क्वेश्चन है कौन सा, इस रंग योजना में चक्र के किसी भी ओर समीपवर्ती दो अथवा दो से अधिक रंगों का चयन किया जाता है, तो समीपवर्ती रंग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से रंग होते हैं जिन्हें अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है? तो प्राथमिक रंग। निम्न में से कौन गृह सज्जा का उपसाधन है? फूलदान। गर्मियों में किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? सफेद एवं हल्के। लाल और किस रंग को मिलाने से बैंगनी रंग बनता है? तो नीला। रंगों का मुख्य स्रोत है प्रकाश। पीला एवं नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा। माध्यमिक रंग कितने होते हैं? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे कमरे को बड़ा दिखने के लिए उसे किस रंग से पेंट करवाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? हल्के रंग से। हरा हल्का, हल्का हरा और गहरा हरा आदि कौन से रंग कहलाते हैं? एकाकी रंग कहलाते हैं। कौन सा रंग शाही रंग कहलाता है? बैंगनी, पीला, हरा, नीला। तो क्या होगा इसका आंसर? बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बी वाला असत्य है, रंग सुंदरता प्रदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग चक्र में बराबर दूरी के 3 रंगों को चुनकर अगर सजावट की जाती है तो उसे क्या कहती है? त्रिकोणी रंग योजना, 3 रंगी रंग योजना, ए बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए बी दोनों। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग प्रकाश को परावर्तित करता है? काला, सफ़ेद, स्लेटी, पीला। तो कौन सा रंग परिवर्तित करता है प्रकाश में? तो सफ़ेद रंग परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार पर जिस पदार्थ या अन्य वस्तु की परिसज्जा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे आच्छादन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है तो क्या है आंतरिक सज्जा? आंतरिक कला है। आंतरिक कला ही क्या है? गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ाव व उतार का क्रय उत्पन्न करते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं? लय को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है तो कौन से व्यक्ति है? तो इसका आंसर डी सही होगा, वैयक्तिक एवं परिवार की रुचि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला रंग प्रतीक होता है क्या? दुख का। इसका आंसर सी होगा, दुख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी रंग भरी जाती है? ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, इथेन। तो इसका आंसर सी होगा, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFL का अर्थ है क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालोगस रंग योजना रंग चक्र में निम्न रंगों का समावेश करती है तो किसका आंसर? ए होगा, 2 या 3 आसपास वाले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मापन मानक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर सी होगा, खाली स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयन कक्षा का मुख्य फर्नीचर है तो क्या है? इसका आंसर बी सही होगा, पलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफाई के लिए एक
विशेष प्रकार के पाउडर को गीला करके गंदे स्थान पर रख लगाने से वह गंदगी सोख ले तो उसे क्या कहते हैं? तो फुलर्स अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे छोटे आकार के बिछावन होते हैं, इन्हें सीढ़ी और गैलरी आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका रंग क्या, इसका आंसर क्या होगा? रनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन को काट कर बनाए जाते हैं, तो क्या काट कर बनाए जाते हैं? कालीन को से क्या बनता है? तो गलीचे बनते हैं। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दों के संबंध में क्या सही है? तो पर्दों के संबंध में क्या सही है? सौंदर्य वृद्धि करते हैं, प्राकृतिक तत्वों पर नियंत्रण रखने में सहायक हैं, तो गोपनीयता को भंग करते हैं, तो क्या सही है? देखते हैं इसके आंसर क्या सही है। तो ए भी दोनों सही, गोपनीयता भंग करते हैं, ए भी दोनों सही हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छोटे बच्चों वाले परिवार में मजबूती की दृष्टि से कौन सा फर्नीचर खरीदा जा सकता है? तो इसका आंसर ए सही होगा, फाइबर ग्लास का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रंग परिसज्जा में नाजुकता और सुंदरता उभारने में सहायक होता है, तो क्या सहायक होता है? तो गुलाबी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन को क्या कहते हैं? तो औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम संतुलन को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अव्यवस्थित संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फूलों की डंठल को काटना चाहिए कैंची से, तेज चाकू से, तो ए भी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग चक्र में एक रंग के साथ उसके सामने के रंग के दोनों ओर पड़ोसी रंग चुनकर बनाई गई रंग योजना क्या कहलाती? तो खंडित पूरक रंग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विपरीत रंग योजना प्रकार नहीं है? तो क्या है? एक रंगी योजना विपरीत रंग योजना के प्रकार नहीं है। इनमें से कौन समान रंग योजना या अनुरूप रंग योजना का प्रकार है? एक रंगी योजना, समीपवर्ती रंग योजना, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नमूने पैमाने की सहायता से बनाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ज्यामिति, शुष्क, प्राकृतिक, शैलियुक्त, ए इसका आंसर सही होगा, ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछी रेखाएं संकेत करती हैं, तो किसका? इसका आंसर ए सही हो, गति एवं शक्ति का। आगे चलते क्वेश्चन की ओर, चार तिरछी और दो लंबी रेखाओं को मिलाने से बनता है, तो क्या बनता है? षष्ठभुज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार तिरछी रेखाएं और समतल रेखा को मिलाने से बनता है, तो क्या बनता है? पंचभुज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह पर्व, त्यौहार, जन्मदिन आदि पर घर की संपूर्ण सफाई कैसी सफाई कहलाती है? तो सामयिक सफाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन साफ करने के लिए सबसे उत्तम उपकरण है, तो क्या है? वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पुष्प सज्जा व्यवस्था अधिकतम लंबाई होनी चाहिए, तो इसकी अधिकतम लंबाई अगर कही जाए तो लघु पुष्प सज्जा की तो 3 होना चाहिए। एक बार आप लोग इसका भी आंसर देख लीजिएगा बुक में, इसका आंसर क्लियर नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पुष्प सज्जा की शैली है, पुष्प सज्जा की शैली प्रारंभिक अमेरिकन भी है और फेडरल क्लासिक भी है और जापानी शैली भी है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गृह को निवास हेतु एक यंत्र की संज्ञा दी है? तो ली कार्बुजिली जीए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्श के बिछावन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि? तो क्योंकि उपयोगी है, तो उपयुक्त सभी कार्य हेतु, कमरे की सुंदरता के लिए भी, गृह सज्जा की आकर्षकता के लिए भी, और फर्श के दोष बिछावन छिपाने के लिए भी, तो ये क्या है? फर्श बिछावन ये सभी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का प्रयोग और चुनाव प्रकट करता है, तो क्या प्रकट करता है? परिवार का व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसाधनों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो किसका? रेखा व रूप का, रंग का, अभिव्यंजकता का, उपयुक्त सभी, तो क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाभाविकता एक प्रकार है, तो किसका प्रकार है? अनौपचारिकता का। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आंतरिक सज्जा के उद्देश्य हैं, तो आंतरिक सज्जा का उद्देश्य क्या है? सुंदरता एवं अभिव्यक्ता
मौलिकता, विमित व्ययता, उपयुक्तता और विभिन्नता, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है, तो कैसा स्रोत है, तो सूर्य क्या है, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। किस पुष्प सज्जा में अधिक, किस पुष्प सज्जा में अधिक फूलों की आवश्यकता होती है, तो मांस एवं समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रंग गर्म है, हरा व नीला, हरा व लाल, नीला व लाल, लाल व पीला, इसका आंसर डी सही है, लाल व पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उदासीन रंग है, इनमें से कोई उदासीन रंग नहीं है, डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रमुख साधन है, तो प्रकाश के दो प्रमुख साधन माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रकाश का अवशोषण तथा परावर्तन होता है, तो परिसज्जा द्वारा, शीशे पर पड़े धूल कणों द्वारा, चमकीली वस्तु द्वारा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे प्रकाश दो प्रमुख साधन है, यही दोनों प्रकाश को बताया गया है, ये प्राकृतिक प्रकाश एक माना गया, एक विद्युतीय प्रकाश माना गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय प्रकाश व्यवस्था की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो विद्युत लैंप द्वारा, बल्ब द्वारा, ट्यूबलाइट प्रकाश द्वारा व्यवस्था, ये क्या है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पक्षी जानवर, नदी, झरने, आकाश, पहाड़ आदि को जब चित्रित रूप में दिखाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक नमूना। ये सभी क्या है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसलिए हमें इसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक नमूना कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय प्रकाश का प्रकार है, तो कैसा प्रकार का प्रकाश है, तो ये प्रत्यक्ष प्रकाश है, अप्रत्यक्ष प्रकाश, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश, ये तीनों माना गया है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः मकान में कौन सा फर्नीचर अधिक उपयुक्त होता है, तो लकड़ी का प्रायः ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, लैंप होना चाहिए फर्नीचर की ऊंचाई के अनुरूप, प्रकाश आंखें सतह से थोड़ा ऊंचा, सामान्य आकार में, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ये सभी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक सुविधाजनक लैंप होते हैं, तो फ्लोर लैंप, साधारण लैंप, टेबल लैंप, उपयुक्त सभी। तो फ्लोर लैंप क्या है, सुविधाजनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कोण पर बराबर प्रकाश होता है, तो कैसा प्रकाश माना जाता है, तो विकिरणित प्रकाश द्वारा कोण पर प्रकाश बराबर प्रकाश होता है। इस प्रकाश व्यवस्था में रोशनी ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि इसमें परिभाषित कांच का बना वाल लगा होता है, तो क्या कहलाता है, तो अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्यूबलाइट को कहते हैं, तो ट्यूबलाइट को क्या कहते हैं, तो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था रसोई घर और स्नान गृह में अधिक उपयुक्त होती है, तो क्या अधिक उपयुक्त होती है, तो विकिरणित प्रकाश अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन कक्ष, शयन कक्ष तथा बैठक में प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, तो कैसा होनी चाहिए, तो अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था तथा एक अन्य टेबल लैम्प, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का महत्व है, तो कैसा महत्व है, दृष्टि ज्ञात हेतु, गृह सज्जा हेतु, आँखों की सुंदरता हेतु, ये और क्या है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, जो प्रकाश का महत्व माना गया है, उपयुक्त तो सभी को माना गया है, तो इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक साज सज्जा की पसंद करने वाले परिवार होते हैं, तो क्या है, युवा है, प्रयोगात्मक है, साहसी है, उपयुक्त तो सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी उपयुक्त तो सभी। निम्न में से क्या असत्य है, तो प्रत्यक्ष प्रकाश की अपेक्षा अप्रत्यक्ष प्रकाश की अधिक शांतिप्रद एवं सुखदायक होता है। नेक्स्ट को आगे चलते हैं उसके टॉपिक की ओर, देखते हैं, प्रकाश व्यवस्था कमरे की रंग योजना की शोभा बढ़ाने वाली होनी चाहिए, दर्पण के प्रयोग से प्रकाश कम हो जाता है, प्रकाश का गलत प्रबंध कर कमरे के सौंदर्य को नष्ट कर देता है, तो इसका आंसर सी होगा, दर्पण के प्रयोग से प्रकाश कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष कार्यों के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो कृत्रिम प्रकाश आवश्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परावर्तित प्रकाश दीवार से होकर आता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष प्रकाश कहेंगे, इसलिए कि वो डायरेक्ट प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो दीवार से टकरा कर अगर आती है, तो उसे अप्रत्यक्ष तरीके से प्रकाश को कहेंगे, प्रकाश कहेंगे, अप्रत्यक्ष प्रकाश कहा जाता है। जिन लैंपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं,
वहनी या लैंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के लैंप घर में विभिन्न प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं, तो कैसे प्रयोजन के अतिरिक्त हम समय प्रयोजन के समय कैसे लैंप यूज कर सकते हैं, तो समजनीय लैंप हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे है कि विपरीत रंग योजना होती है तो कैसी रंग योजना है, तो एक चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने के जो रंग होते हैं वो विपरीत रंग योजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों का मुख्य स्रोत क्या है, तो रंग जो है प्रकाश को दर्शाता है। रंगों से क्या होता है, प्रकाश उभर कर आते, चाहे कपड़े पर हो चाहे घरों पर हो, कहीं पर भी कलर क्या होता है, कलर से ही प्रकाश का स्रोत माना जाता है। रेखाओं को जोड़कर बनता है तो क्या बनता है, आकार। जब रेखाओं को जोड़ेंगे, दो या दो से अधिक रेखाओं जब हम जोड़ लगाएंगे तो उससे क्या बनाएंगे, आकार, किसी शेप बनाएंगे, किसी चीज़ का शेप बनता है, चाहे पंचभुज हो चाहे षष्ठभुज वर्ग हो त्रिभुज हो, ये सब रेखाओं के माध्यम से क्या बनता है, आकार बनाए जाते हैं। प्रायः मकान में कौन सा फर्नीचर अधिक उपयुक्त होता है, तो लोहे का। इसके पहले भी बताया गया हुए तो उसमें लकड़ी की बात कही इसमें, लेकिन आंसर तो उसमें का भी जो है वो लोहे का ही आंसर होगा, मतलब जो मकान में ज़्यादा ज़्यादा इसमें फर्नीचर अधिक उपयुक्त होती है, तो फर्नीचर अधिक फर्नीचर की बात कहा गया तो लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अब प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन क्या कहलाती है, तो प्राकृतिक डिजाइन कहलाती है। प्राकृतिक डिजाइन के अंतर्गत जैसे हो गया सूर्य होगा, प्रकाश और आपका चिड़िया हो गए, झरने हो गए, तालाब हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये प्राकृतिक डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। जिन लैंपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, तो वहनीय लैंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं का प्रकार है तो कैसा प्रकार है, तो लंबवत प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन का प्रकार नहीं है, औपचारिक अनौपचारिक विकरणी अविकरणी, तो इसका असंतुलन का प्रकार नहीं तो अविकरणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का तत्व नहीं है तो कैसा तत्व नहीं है, तनाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प सज्जा के पुष्प व्यवस्था के प्रकार हैं तो कैसे प्रकार हैं, रेखी डिजाइन में पुष्प व्यवस्था, लघु व्यवस्था, समूह शैली में व्यवस्था, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुष्प व्यवस्था का प्रकार है, तो लघु पुष्प व्यवस्था का प्रकार है, ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों का हल्कापन और गहरापन क्या बताता है, तो वैल्यू को बताता है, रंगों का हल्कापन और गहरापन वैल्यू दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का स्रोत है, तो कौन सा है, ताप दीप्ति, विद्युत प्रकाश, जलने द्वारा, विद्युत डिस्चार्ज स्रोत, उपयुक्त सभी इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के मूलभूत सिद्धांत हैं अनुरूपता, लय और संतुलन, बल और अनुपात, इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा आकार बनावट नमूना प्रकाश तथा स्थान है, ये किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कलाओं के मौखिक तत्वों को प्रदर्शित किया जा रहा है, किससे, रेखा आकार बनावट नमूना प्रकाश तथा स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन के प्रकार हैं औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, इन दोनों को माना गया है संतुलन के अंतर्गत, सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रंग व्यवस्था में एक ही रंग के टिंट या शेड का प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है, तो विपरीत रंग योजना, चौरंगी रंग योजना, एक रंगी योजना और त्रिकोणी रंग योजना, तो इसका आंसर एक रंगी योजना। आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हम यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, आंतरिक सज्जा के अंतर्गत जितने ये क्वेश्चन थे सभी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब अगले टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग को क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो भी आप लोग की मांग होती है हम इसके हिसाब जो हमारे पास अवेलेबल होता है हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये वीडियो ये भी हम समाप्त करती हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।